पास ये वाला है, आप लोगों को पता ही। और ये कटर मशीन भी फ्रेंड्स बहुत कार्बन खा रहा था, तो कल थोड़ा सा चेक कराया तो इस मशीन का भी मतलब हमारा आर्मेचर चले गया था, तो मैंने इसका आर्मेचर भी चेंज कर दिया, तो इसने भी मेरा कल 1100 रुपये का खर्चा कर दिया इस मशीन ने भी, कटर मशीन। ये देखिए मेरा रंदा मशीन ये, और रंदा मशीन का भी फ्रेंड्स क्या बताना आपको, ये इसका स्विच जो है ये ख़राब हो गया था, तो इमरजेंसी के लिए मैंने ये ऑटोमेटिक स्विच लगा दिया था। देखिए चल पड़ा है, मतलब देख पा रहे होंगे तो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको टक्कर को सीधा कर लेना है पहले, है ना फ्रेंड्स, तो टक्कर को सीधा कर लेते हैं फिर उसके बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आशा करता हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो मैं आज आप लोगों के पास फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो जो होने वाला थोड़ा सा हम लोगों का इधर, जैसे कि शायद आप लोगों के साथ जो लकड़ी आता है ना, जो हम खिड़की पल्ले वगैरह इनके लिए लकड़ी लाते हैं, तो आप लोगों के उधर साइज मेरे ख्याल से एक साइज में मिलता है, 4 इंची या 3 इंची 5 इंची का फ्रेम मिलता होगा, है ना। सो हम लोगों का उधर किस प्रकार का होता है और कैसे निकालना पड़ता है 4 इंची का फट्टा या 3 इंची का फ्रेम, ये किस प्रकार से निकालना पड़ता है वो भी दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा सा खिड़की वगैरह बना रहा हूँ, है ना, ये सामने देख पा रहे होंगे, मैं यहीं पर काम चल रहा है मेरा, ये देखिए यहीं पर ठिया बना रखा हूँ, तो यहाँ काम चल रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ का खिड़की बन रहा है ना, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाने की प्रयास करूंगा। और चैनल पर नया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना फ्रेंड्स, है ना। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आपको मैं दिखाता हूँ। सो देख पा रहे होंगे जैसे कि ये एक खिड़की है, यहाँ पर जो टीन जो टीन लगा चादर लगा रखा है ना, एक खिड़की तो ये है, और थोड़ा सा आगे भी दिखाऊंगा आपको। तो एक खिड़की हमारा ये है, इसके भी हमारे 3 पल्ले बनने वाले हैं, उसके 2 पल्ले और अंदर एक है, वो हमारा उधर पर है, 2 पल्लों का हमारा, है ना। सो ये देखिए इसकी साइज है हमारी 44 इंची बाई 16 इंची, 44 इंची हाइट हमारी, वैसे 16 इंची है। सो इसी की बना रहा हूँ खिड़की। और थोड़ा सा ये देखिए लोकेशन, ये हमारा रोड के पास में ये गाड़ी है, सो है ना। सो यहीं पर बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार से हमारे इधर मतलब फट्टा मिलता है। सो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये, अब इसकी साइज मैंने ये देखिए ये निकाल रखा है, ये 44 इंची बाई 16 इंची के 7 नग, यानी कि 7 खिड़की हमारे। तो इसके हमारे जो होने वाले हैं ना फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला आएगा, ये हमारा 14 पीस निकालना पड़ेगा, और इसका जो हमारा खुरजी रहेगा, खुरजी हमारा हमारे खुरजी भी हमारा सेम वही 14 पीस ही लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2 साइज में खुरजी रहने वाला है। ऊपर का 6 इंच 5.5 इंची से 6 इंची का रहेगा, 5.5 इंची का रहेगा ऊपर का खुरजी, और हमारा ये रहेगा 3.5 इंची का, है ना। पहले 2.5 इंची काटा जाएगा, फिर बाद में रंधा संधा मार के 3.5 इंची का हो जाएगा। 3.5 इंची के 7 पीस चाहिए, और इसी प्रकार से ये भी हमें 7 पीस चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा ये खिड़की का साइज आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होता है, ये देखिए इस प्रकार से ये फट्टा मिलता है पूरा, मतलब ये देखिए ये 12 फुट का 10 फुट का, इस प्रकार से 8 फुट का ये फट्टा मिलता है। और वैसे में तो ये हमारा 10 इंच का है, ये इसकी चौड़ाई जो है देख पा रहे होंगे, इसकी चौड़ाई 10 इंच है, और इसकी मोटाई तो हमारा 1.5 इंची है ही, ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ओवर साइज है, थोड़ा सा दिखाने की प्रयास करूंगा। ये देखिए ये 1.5 इंच से भी ओवर साइज है, थोड़ा रंधा मार के ये 1.25 इंच निकल जाएगा हमारा। सो कुछ मैंने इस प्रकार से इसका कटिंग कर दिया है ना, ये देखिए ये मैंने 4.25 इंच के आसपास निकाल रखा है ये वाला, ये अभी रंधा संधा मार के 3.5 इंच हमारा रेडी हो जाएगा, ये भी कुछ इस प्रकार से निकाला हुआ। और देखिए मैंने खुरजी के लिए ऊपर का जो खुरजी होता है हमारा, ऊपर का खुरजी ये देखिए मैंने 7 पीस इसमें निकाल दिया हूँ, 1 पीस 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार से इसकी अगर जो साइज की बात करूँ तो लगभग ये 5.25 इंची अभी देख पा रहे होंगे, तो इसको भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए 5.25 इंची के आसपास है। तो ये लगभग रंधा मार के मतलब 5.5 इंची हो जाना इसकी, और मोटाई तो सेम ही रहने वाली है। और ये रही इसकी फ्रेंड्स नीचे वाली खुरजी जो है हमारी, ये छोटी वाली खुरजी देख पा रहे होंगे नीचे वाली, है ना, ये देखिए। सो इसकी साइज़ की बात करो तो ये 4.25 इंची है फिलहाल, ये देख पा रहे होंगे 4.25 इंची है। और वैसे में हमारे ये 17 इंची है, ताकि मैंने 1 इंची थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, हमें चाहिए 16 इंची, लेकिन 1 इंची मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो तो बाद में छोटा ना हो, थोड़ा सा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो इसके लिए देखिए मैंने निकाल रखा है ये मैंने इसमें 3-4 पीस हमारा ये निकल गया, छोटे वाला 4 पीस निकल रखा है, और 3 पीस मेरा इसमें से निकल जाएगा, इस वाले में से 3 पीस निकल जाएगा हमारा। ये है अभी 50 इंची है, तो 3 पीस निकल जाएगा 16 के हिसाब से, जो 17 इंची के हिसाब से ये माने 3 पीस निकल जाएगा इसका। सो हमारा इधर जो फट्टा मिलता है इस प्रकार देखा, अभी देख पा रहे होंगे ये वाला साइज आपको दिखाने की प्रयास करूंगा। ये देखिए इसमें मैंने कटिंग कर दिया हूँ, अभी ये 50-50 इंच में मैंने मतलब 4 फुट 2 इंच में मैंने ये कटिंग कर दिया हूँ, देख पा रहे होंगे आप, तो नीचे से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। सो है ना, ये देखिए 50 इंची में कटिंग कर रखा हूँ। इसकी जो चौड़ाई की साइज़ करो तो ये हमारा 12 इंची है,
तो हमारा ये चार जो 4 इंची का रहेगा, 4 इंची के 3 पीस निकल जाएगा इसमें से। तो थोड़ा सा हमें मेहनत पड़ता है क्योंकि ये डबल एक मेहनत हो गया। तो बाहर की साइड में मैं भी बाहर हरिद्वार में मैंने काम किया हूँ, है ना, हरिद्वार उत्तराखंड में मैंने भी काम किया हूँ, ये फर्नीचर का काम मैंने वहीं सीखा था। सो उधर पर तो क्या होता है, 4 इंची का बाद 3 इंची का हमारा इस प्रकार का फ्रेम ऑलरेडी मिल जाता है, मतलब अगर मशीन में जाए तो ऑलरेडी मिल जाता है। लेकिन हमारा इधर क्या होता है, ज़्यादातर इसी प्रकार से मालिक फट्टे देते हैं हमें। सो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है कटर मशीन से। अब कटर मशीन मेरे पास ये वाला है, आप लोगों को पता है, और ये कटर मशीन भी फ्रेंड्स बहुत कार्बन खा रहा था। तो कल थोड़ा सा चेक कराया तो इस मशीन का भी मतलब हमारा आर्मेचर चले गया था, तो मैंने इसका आर्मेचर भी चेंज कर दिया। तो इसने भी मेरा कल 1100 रुपये का खर्चा कर दिया, इस मशीन ने भी, कटर मशीन ने भी, है ना। थोड़ा सा फिर भी देखिए, थोड़ा सा आगे की तरफ से ये वेल्डिंग करा हुआ था, ये थोड़ा सा टूट गया है, देखिए टूट गया, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तार से बांध दिया हूँ इसको, इसको जुगाड़ कर रखा हूँ। मैंने जुगाड़ से ही ज़्यादातर चलाना पड़ता है, क्या करें भैया, छोटी छोटी चीज़ बना भी नहीं सकते, है ना, जल्दी से तो कहीं उपलब्ध भी नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक फट्टा चीर के दिखाऊंगा, है ना, किस प्रकार से मैं इसको चीरता हूँ, थोड़ा सा वो आप लोग दिखाने की प्रयास करूँगा। और वीडियो में फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग पूरा देखा कीजिए वीडियो को, है ना, थोड़ा सा आप लोग अगर पूरा देखेंगे मुझे भी थोड़ा सा उत्साह होगा। और ये देखिए मेरा रंदा मशीन ही है, और रंदा मशीन का भी फ्रेंड्स क्या बताना आपको, ये इसका स्विच जो है ये ख़राब हो गया था, तो इमरजेंसी के लिए मैंने ये ऑटोमेटिक स्विच लगा दिया था। देखिए चल पड़ा है, मतलब देख पा रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिक स्विच मैंने लगा रखा है इसमें, जो बिजली का ऑटोमेटिक वाला स्विच आता है, जो मतलब एक ही साथ फिक्स रहता है वो, सो वाला लगा रखा है, जुगाड़ कर रखा है इसका भी। सो इसी प्रकार से जुगाड़ से ही काम चलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, है ना, थोड़ा सा आपको मैं एक फट्टा ये वाला फट्टे को चिर के दिखाऊंगा, इनमें से किसी भी एक फट्टे को मैं चिर के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग दिखाने की प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको टक्कर को सीधा कर लेना है पहले, है ना फ्रेंड्स, तो टक्कर को सीधा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा आप दिखाओ कुछ करो। हाँ कर रहा है, कर रहा है, दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक साइड से रंदा मार दिया हूँ, अभी निशान करना है ना, निशान लगाना है इसको। तो इसका साइज तो बता ही दिया मैंने, 11.5-12 इंच का साइज है इसका, है ना, 12 इंच का फट्टा है। तो इसका हमारे 3 पीस निकालना है, तो हमारे ये 3.25-4 इंच के आसपास निकालेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा वो रंदा मार के 3.5 इंच हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं निशान लगाता हूँ इस चीज़ से, है ना, जो ये मैंने खतखस बना रखा है, ये इसका वीडियो मुझे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर यदि आप लोग जाके देख सकते हैं मेजरमेंट गेज कैसे बनाए, इस प्रकार से इसका सर्च करने से आपको मिल जाएगा। ये वाला गेज का जो वीडियो है वो भी डाला हुआ है मैंने चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। वो सब पास के से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा निशान आ गया, देख पा रहे होंगे। सो मैंने दोनों तरफ निशान इसलिए लगाया फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस साइड भी ये निशान लगा रखा है, तो दोनों तरफ इसीलिए निशान लगाया क्योंकि ये हमारा 4 इंच का कटर मशीन है, 4 इंच का ब्लेड लगने वाला है ना। सो हमारा ये 4 इंच में ये हमारा 1.5 इंच कवर नहीं करेगा, क्योंकि 1.25 इंच ब्लेड निकला हुआ रहता है, ब्लेड का हमारा जो निकला हुआ रहता है 1.25 इंच, तो हमारा ये 1.5 इंच भी से थोड़ा ज़्यादा है, तो एक बार में कवर नहीं होगा, इसलिए दो बार हमें दोनों तरफ से पलट के कटिंग करना पड़ता है। यही ये मेहनत है फ्रेंड्स, क्या करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाता है। चलिए थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कटिंग करके।
अब इस साइड से कटिंग करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, देख पा रहे होंगे पूरा सीधी तरीके से कटिंग हुआ है, ऐसे भी नहीं है कि भाव पूरा बेकार है, लगभग सीधा ही है, थोड़ा बहुत रंधा मारना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखिए अभी इसमें दो पीस और निकल जाएगा, देख पा रहे होंगे 8 इंची के करीब है। दो पीस और निकल जाएगा, 3.5 इंची 4 इंची का। और ये देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से कटिंग कर दिया दोनों साइड से, दो तरफ से कटिंग करना पड़ता है। ये इसमें ये कि 100 इंची का ब्लेड देख पा रहे होंगे, 100 इंची हमारा ये, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और लास्ट में भी जाते जाते बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पर आप लोग नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ फर्नीचर से, है ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे, ताकि आप लोग भी वीडियो का आनंद ले। जो भी थोड़ा सा आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे और वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता होती है और ज़्यादा मुझे उत्साहित मिलेगा और ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को वीडियो देने की। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कंटेंट इस हिसाब से नहीं हो पाता है, डेली का काम ऐसा नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं अभी काफ़ी टाइम में मुझे काम मिला है, तो इसलिए वीडियो तो एक दो आप लोग पीछे मैंने प्लाईवुड का दरवाज़ा किस हिसाब से फिटिंग करनी चाहिए वो वीडियो डाला हुआ है। ये वाला वीडियो भी आएगा, प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद।